सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज जो आपके साथ मौजूद हूं, कोई क्राइम नहीं, किसी की कोई खबर नहीं, बल्कि आज मौजूद हूं आपके बीच एक रिक्शे को लेकर और रिक्शे वाले भाई को लेकर। ये आपको देखने में मानो ऐसा लग रहा है जैसे रिक्शा हो और है भी रिक्शा ही, लेकिन इसका जो जुगाड़ है, जो फिटेड इसके अंदर जुगाड़ किया गया है, वो बहुत अलग तरीके का जुगाड़ किया गया है। हालांकि भाई विकलांग है। भाई अपना नाम क्या है? प्रेम सुंदर। प्रेम सुंदर जी कहाँ के रहने वाले हो? कालाखेड़ा। कालाखेड़ा के रहने वाले हो। ये जो रिक्शा है आपको, ये कहाँ से मिला था? हाँ जी, ये मेरे से मिला हमें। अच्छा, जिस स्थिति में आज रिक्शा है, क्या ऐसा ही मिला था या कुछ अलग हटके था? ना जी, ऐसा ही मिला। जैसे ये है ऐसा ही मिला था? हाँ, ये खाली मिला रिक्शा। खाली रिक्शा मिला था, यानी कि इसको ये हाथ से चला सकते हैं। इसके अंदर पेंडल है, इस रिक्शे को हाथ से चलाया जा सकता है। और ये ट्रस्ट और सरकारें इन रिक्शों को दान में देती हैं विकलांग लोगों के लिए, लेकिन जब जुगाड़ की बात आती है या कहीं लंबे टूर की बात आती है तो इस रिक्शे से कहीं लंबे टूर पर जाया नहीं जा सकता है। तो इसी में इन्होंने एक जुगाड़ फिट किया है। वो जुगाड़ मैं आपको दिखा दूं एक बार। आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। ये है, इसके अंदर हीरो पुक का इंजन है ना, हीरो पुक, जिसको बिक्की कह देते हैं, बिक्की का इंजन है। और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसी के अंदर इन्होंने एक जुगाड़ फिट कर दिया है। ये रिम वगैरह डलवाया है और पीछे चैन भी एक बार दिखा दो इसका। ये चैन है और इसके इन्हीं के हाथ में ये रेस वगैरह आ जाती है, इन्हीं के हाथ में ये रेस वगैरह आ जाती है। अच्छा, ये आपके दिमाग में कैसे उठा ये सब कि भाई इसको इस तरीके से फिटेड किया जा सकता है? जी फिट करवाया जी सर जी, मैंने मिस्त्री के यहाँ। नहीं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कैसा सवाल पैदा हुआ? जी मैंने दूसरे को देखा है, मैंने फिट करा हुआ किसी का। हाँ, किसी का जब कराया मैंने फिट। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे जोरों पर भी होती है और शोरों पर भी होती है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात करें या वैज्ञानिकों की बात करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वैज्ञानिक हैं। यानी कि जुगाड़ से कुछ भी किया जा सकता है, भारत के अंदर जुगाड़ से सब कुछ संभव है। ये टिर्री रिक्शा, इसको अभी क्या कहेंगे? रिक्शा तीन पहियों वाले? नहीं, रिक्शा तो तीन पहियों का ये है, लेकिन अभी इसको क्या कहेंगे? आपने इसको फिट कर दिया टिर्री, इसको अब कहेंगे विकलांगों के लिए चलने वाली टिर्री। हाँ जी, इसका नाम दे दिया है टिर्री। अच्छा, ये आप रहने वाले कहाँ के हो? कालीखेड़ा। कालीखेड़ा के आप रहने वाले हो, तो कभी आपको स्कूटर वगैरह गवर्नमेंट से नहीं मिला? नहीं जी सर जी, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, जमीन वगैरह क्या है? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। रोजगार का कोई साधन? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कैसे रोजी रोटी कैसे चलाते? रोजी रोटी में मांग भेज के चलाते हैं। मांग तांग के रोटी पानी जो आप चलाते हो। प्रेम शंकर हैं, गांव है कालाखेड़ा, और इनको ये रिक्शा मिला ट्रस्ट से मिला था या किसी नेता वगैरह ने दिया था? हाँ जी, ट्रस्ट से मिला है। ट्रस्ट से इनको ये रिक्शा मिला। और एक बार भाई को थोड़ा उतर के आओ भाई, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या मतलब किस तरीके की विकलांगता है। इधर आ जाओ थोड़ा। यानी कि एक टांग भाई की है नहीं, ये वाली टांग भाई की है नहीं यहाँ से, और ये इसी से अपनी रोजी रोटी अभी चला रहे हैं, भीख मांग के या जैसे भी मतलब चला रहे हैं अपना रोजी रोटी का खाना पीना, इसी से चला रहे हो ना? हाँ जी सर जी। कोई अन्य रोजगार? नहीं जी, और कुछ नहीं। अच्छा, बीवी बच्चे हैं कि नहीं? हाँ जी, बीवी बच्चे हैं। अच्छा, ये विकलांगता कब बनी, मतलब क्या रही थी वजह? सर जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? वो बाजे में सहारा हम, रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया। रात के समय एक्सीडेंट हो गया था, और तभी से किसी ने कोई सूद वगैरह नहीं ली? नहीं जी। अभी क्या मतलब चाहते हो सरकार से, क्या जनता से चाहते हो? सरकार से तो यही चाहता हूँ मैं, और मुझे बस दूसरी इसको मिल जाए। दूसरी वो मिल जाए? हाँ जी सर जी। फिर उसमें क्या करोगे, इसको फिर जुगाड़ को फिट कराओगे? हाँ जी, जुगाड़ को फिर इसमें उसमें फिट करा दो। हाँ, इसमें उसमें फिट हो जाएगी। अच्छा, ये पुराना हो गया? हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने, बैठ लो एक बार, आप बैठ लो एक बार, बैठ लो। अच्छा, ये जो जुगाड़ आपने कराया, इसमें लगभग खर्चा कितना आ गया था? 8000 का। 8000 रुपए का खर्चा आया इसके अंदर, इसको फिटेड कराने में। अच्छा, जैसे आप इसको चला रहे हो, ये इंजन हो गया, उधर चैन हो गई, इधर देखें तो आपके हाथ की चैन है, लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे, इसकी रेस वगैरह? इसकी रेस वगैरह सब सर जी हाथ में ही है। अच्छा, ये मतलब ये रेस है इसकी, और ये इस तरीके से करें तो इसको ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं इमरजेंसी, ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेक मारने आपको पड़ जाए, उस स्थिति में इसके ब्रेक कैसे लगाओगे? जी सर जी, वो इसी में आराम से चलाता हूँ मैं। आराम से चलाते हो? हाँ जी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, आराम से चलाता हूँ मैं, आराम से चलाता हूँ इसे।
यानी कि अगर बात करें तो ये हो गई विकलांगों वाली ई रिक्शा यानी कि टिर्री, और अगर दूसरी तरफ बात करें तो भैया ने भी एक खड़ी कर रखी है टिर्री, यानी कि इसमें और उसमें अगर केवल अंतर है दोनों में, इधर आ जाओ सामने से एक बार दिखा दो दोनों को, अगर अंतर है तो ये बैटरी से चलित है और वो इंजन से चलित है। मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।